वेल गाइज, तो फाइनली WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन ओवर हो चुका है। और गाइज, आज यहां पर WWE स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर जॉन सीना देखने को मिले, जो कि WWE के स्मैकडाउन को ओपन करते गए। और गाइज, यहां पर स्मैकडाउन के ओपनिंग के ऊपर जॉन सीना यहां पर स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर को लेकर बात कर रहे होते गए, तभी यहां पर सडनली अरीना के अंदर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइज, फाइनली करीबन 2 महीनों के बाद आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस उनकी धमाकेदार वापसी करते गए, जहां पर रोमन रेंस सोलो सकुआ, जिमी उसो और पॉल हेविन के साथ रिंग के अंदर एंटर होते गए। और गाइज, रोमन रेंस ये कहते गए कि अब जबकि रोमन रेंस WWE पर वापस आ चुके गए, तो गाइज जॉन सीना को रिंग में रहने की कोई भी जरूरत नहीं गए। और गाइज, जॉन सीना इस रिंग से बाहर जा सकते गए, जिसके जवाब में जॉन सीना ये कहते गए कि वो यहां पर रोमन रेंस की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और जिस तरीके से पिछले 1000 दिनों से लगातार WWE के अंदर रोमन रेंस WWE के वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद यहां पर जॉन सीना ऐसे ही रोमन रेंस को चैलेंज नहीं करेंगे। बट गाइज, यहां पर जॉन सीना डेफिनेटली एक ऐसे आदमी को जानते गए जो यहां पर रोमन रेंस को चैलेंज कर सकता है। और गाइज, इसके बाद WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना एले नाइट को रिंग में कॉल आउट करते गए, जिसके बाद की आज यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर एले नाइट रिंग में आकर रोमन रेंस को कन्फ्रंट करते गए। और इन दोनों के हीटर कन्फ्रंटेशन के बाद हमें यहां पर जिमी उसो एले नाइट पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज, एले नाइट उल्टा जिमी उसो को पेल देते गए, और इसके बाद एले नाइट और रोमन रेंस के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेविन रिंग को छोड़कर भाग जाते गए। और गाइज, WWE ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि एले नाइट यहां पर ट्राइबल चीफ के अगले चैलेंजर होने वाले गए।